के लिए शीघ्र गति से एक या दो या तीन समय में ही अपने जन्म स्थान में पहुंचता। उस समय पदार्थों के जानने के लिए प्रयत्न रूप उपयोग भी उसका नष्ट हो जाता है, क्योंकि विगला गति में उपयोग नहीं रहता। देखो, पहले तो नया शरीर ग्रहण करने से पहले ये आत्मा पूर्व जन्म के मरण का कष्ट भोगता है, वहां से इसकी दुख यात्रा चालू होती है। फिर ये एक दो अथवा तीन समय में अपने जन्म स्थान में पहुंच जाता है। अब वह जब वो विगला गति में होता है तो उसका ऐसा ज्ञान का, मतलब ज्ञान का जो प्रकटपना है वो व्यक्त नहीं होता, क्योंकि एकदम इंद्रियों की पूर्णता नहीं है, मन नहीं है, द्रव्य इंद्रियां तो है नहीं, तो इसलिए उसका उपयोग जो है एक तरह से कुछ भी काम नहीं करता। उपयोग है तो सही, जानता तो है, ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, लेकिन प्रकटपना नहीं है, एकदम व्यक्त नहीं है। तो काल भी बहुत थोड़ा, चार समय क्या होते हैं, कोई चीज ही नहीं, तीन समय कोई वस्तु ही नहीं है। एक समय मतलब काल की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं समय। अब मैं कितना छोटा एक समय आपने बताया ना, तुमने बताया था कि नहीं, सेकंड तो बहुत बड़ा है, एक सेकंड के हजार कोड़ा कोड़ी भाग करो, कितने हजार कोड़ा कोड़ी, उसे क्या कहेंगे, एक आंवली, क्या है वो, एक आंवली। क्या आंवली कौन है, आंवले की पत्नी। आंवली जो है नापने की, काल को नापने की इकाई है, ये जो कहा जाता है ना, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मोटे रूप में बात होती है। आप देखो एक सेकंड के कितने भाग भाग किए हमने, हजार कोड़ा कोड़ी, हजार कोड़ा कोड़ी भाग, तो ये जो इतने में जो समय लगा, ये तो बहुत बड़ा समय है। हजार कोड़ा कोड़ी का भाग जो है सेकंड का, वो तो बहुत छोटा है। वो आंवली, और उस आंवली के असंख्यात भाग करो, संख्या हजार कोड़ा कोड़ी कोई चीज ही नहीं, संख्या हजार कोड़ा कोड़ी की पावर संख्या हजार कोड़ा कोड़ी, इतने भाग करो तो भी असंख्यात नहीं आएगा। ऐसे असंख्यात असंख्यात भाग करो तब कहीं जाके एक समय आएगा, इतना सूक्ष्म समय है। केवली भगवान के ज्ञान का विषय है, यहाँ तक कि इसमें जिनवाणी में ये भी स्पष्ट नहीं कि अवधि ज्ञान या मनोबल ज्ञान कुछ भी जा सकता, एक समय का इतना सूक्ष्म साक्षात्कार। परमाणु जान सकता है एक बार अवधि ज्ञानी, लेकिन ये समय बहुत सूक्ष्म, समय आकाश के प्रदेश ये बहुत सूक्ष्म, क्योंकि उसका दूसरा विभाग नहीं कर सकते। यानी काल की ये ऐसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, जिसका हम दूसरा विभाग नहीं कर सकते। सबसे छोटा हिस्सा काल का वो है समय। जैसे लौकिक में अपन ने सबसे छोटा हिस्सा सेकंड बना रखा है, लेकिन अपने यहाँ तो सेकंड बहुत बड़ा होता है, सेकंड के हजार बड़ा बड़ी भाग करो तो आंवली होती है। सेकंड मतलब श्वासोच्छ्वास के करते हैं, लेकिन वो सेकंड और श्वासोच्छ्वास पौन सेकंड का एक श्वासोच्छ्वास होता है, उन पौन को एक ले लिया अपन, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। और संख्या हजार कोड़ा कोड़ी आंवली होती एक श्वासोच्छ्वास मैंने पौन सेकंड में, संख्या हजार कोड़ा कोड़ी आंवलियाँ, और एक आंवली में असंख्याता असंख्यात समय होते हैं, असंख्याता असंख्यात, मैंने एक आंवली के असंख्यात भाग करो, फिर जो एक भाग आए फिर उसके असंख्यात भाग करो, फिर एक भाग असंख्यात बार असंख्यात भाग करेंगे ना तब एक समय आएगा। उसकी बात है तो वहां जन्म मिलता, लेकिन एक समय दो समय तीन समय, बस तीन समय मानेगी। अब आप सोचो क्या है, कुछ है ही नहीं ऐसे कोई।
जैसे यहाँ जन्म मरण हुआ वहाँ जन्म हुआ, जन्म ले लिया उसने, कोई गेप ही नहीं है जैसे भी। इसलिए ये जो करते ना तो आत्मा भटक रही है ना, वो हो रहा है क्या हो रहा है, कौन सी भटक रही है, क्या भटक रही है, आत्मा भटकती है भाई। आत्मा तो मोह होती है, तो मोक्ष चली जाती है आत्मा अकेली रहती तो। ये तो नियम जो तीन समय में तो नया शरीर, हम चार समय में नया शरीर धारण कर लिया, मनुष्य लोगों की बात है, इसलिए तीन समय लिए उन्होंने। और यदि मनुष्य नहीं होता, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में जाए, ज्यादा से ज्यादा चार समय बस खत्म होते हुए। तो अब वहां गया, वहां जाने के बाद क्या होता है, तत्काल ही वह माता के उदर रूपी शौचालय में, माता के पेट को उपमा दिए गाय की शौचालय, माता के उदर रूपी शौचालय में प्रवेश करके अति अपवित्र रज वीर्य को ग्रहण करता और भूख प्यास से पीड़ित होकर माता के द्वारा खाए गए अन्न पान को लिप्सा पूर्वक खाता, अत्यंत लिप्सा पूर्वक, क्योंकि उसको तो अपने खाने के लिए कोई चीज है बस, और कुछ है ही नहीं, जीवन चलाने के लिए कोई भोजन है उसके। ऊंचे नीचे प्रदेशों पर माता के चलने पर भय से व्याकुल होकर सिकुड़ जाता है, रात दिन दुखी रहता है। इस प्रकार बेचारा जीव पूर्व कर्म के उदय से वात पित्त कफ रस रुधिर मांस मेद हड्डी मज्जा वीर्य मलमूत्र आदि से बने हुए शरीर को 9-10 माह में ग्रहण करता है। फिर उसके बाद में दिया है कि कैसा रहता है, माता के उदर में वीर का प्रवेश होने पर 10 दिन तक तो कलर रूप से रहता है, फिर 10 दिन तक कलुष रूप से रहता है, पूरा शरीर का विज्ञान दिया है, फिर 10 दिन तक स्थिर रहता है, कलर तो बूंद रहती पहले कालुष कलुषता आती है उसमें, फिर वो स्थिर होता है, कलर नहीं नहीं कलर का अर्थ क्या मुझे नहीं पता, एकदम भूम समझते लिक्विड जैसा तो ठीक है, फिर कालुष्यता होती है, फिर स्थिर रहता है। दूसरे मास में बुदबुद बुदबुले की तरह रहता है, दूसरे महीने बुदबुला है, तीसरे मास में घनरूप हो जाता है, और चौथे मास में मांसपेशियां बनती है शरीर के अंदर, पांचवें महीने में पलक पुलक अंकुर फूटते हैं, छठे महीने में उन अंकुरों से अंग और उपांग बनते हैं हाथ पैरों के, फिर सातवें मास में चर्म चमड़ी नख रोम बनते हैं, आठवें मास में हलन चलन होने लगता है, और नौवे अथवा दसवें महीने में गर्भ से बाल। जिन्होंने लिखा ना कि उनको आयुर्वेद के भी बहुत अच्छा अभ्यास था, मतलब पूरा आयुर्वेद विज्ञान के हिसाब से लिखा उन्होंने, पूरा मेडिकल साइंसेस का, अर्थात मृत्यु के बाद ये तो हो गया ना अपना, अर्थात मृत्यु के बाद तत्काल ये तो उनसे बात हो गई एक तरह से। अब देखो इसमें थोड़ा सा नीचे यहाँ से ले लो, मनुष्य के शरीर में देखो, मनुष्य के शरीर में 300 अस्थियां हैं, इसी में पे नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवीं पंक्ति नीचे तीसरे पैराग्राफ है ना, सेकंड नीचे से 8, 9, 10 नीचे से 13वीं पंक्ति, नीचे से 13वीं पंक्ति देखो इसी पन्ने में, मनुष्य के शरीर में 300 अस्थियां हैं, कितनी अस्थि है भैया, 300 अस्थि है जो दुर्गंधित मज्जा से भरी हुई है, 300 ही संधियां हैं जोड़ 300, 900 स्नायु है, 700 सिरा है, 500 मांसपेशियां हैं, 4 सिरा जाल है, 16 कडेर है, 6 सिराओं के मूल है, 2 मांस रज्जु है, 7 त्वचा है, 7 कालेयक है, 80,00,000,000,000 रोम है, पक्वाशय और आमाशय में 16 आते हैं, 7 मल के आशय है,
मल द्वार, तीन स्थुणा है, 107 मर्म स्थान है, 9 द्वार है जिनसे सदा मल बहता है, मस्तिष्क मेद ओज और शुक्र एक एक अंजुली प्रमाण है, वसा 3 अंजुली, पित्त 6 अंजुली और कफ भी 6 अंजुली प्रमाण, मूत्र 1 आडक, स्था 6 प्रस्थ, नख 20, नाखून 20 और दांत 32 है। नाखून 20 होते हैं ना, 5, 10, 5, 5, हाथ के 10 पांव के 10, ऐसे सारी चीजों का शरीर के अंदर क्या क्या भरा है, हम जिस शरीर से अपन प्रेम करते हैं उसमें क्या क्या है, दाते हैं, खून है, कितनी क्या क्या चीजें, मूत्र है और मल है, भरा विष्ठा रहती है इसके अंदर, थोड़ी बहुत विष्ठा पड़ी रहना जरूरी है, शरीर के लिए आवश्यक है, सब कुछ निकल जाए ना तो मर ही जाए, इसलिए कुछ इसके शरीर में मल मूत्र हमेशा बना रहता है। और भी ये सब चीजें मन बताइए, कितना उसके अंदर वसा कितनी रहेगी, पित्त कितना रहेगा, कफ भी कितना रहेगा, वो ये थोड़ा ज्यादा कम हो जाए बीमार हो जाता है, बीमारियां चल रही, माथे माथा कितना बड़ा है, मेद ओज शुक्र कितने द्वार है, कितने मर्म स्थान है, कितनी आते हैं, कितने लोम है, न कितने सिर है, न कितने, सब चीजी का वर्णन है। मैंने कुल मिला के कहने का ये है कि शरीर महा पवित्र है बस। अब आगे गर्भ से बाहर आने में जो क्लेश होता है उसे कहते हैं, गर्भ के कष्टों के पीछा करने से ही मानो भयभीत होकर गर्भस्थ जीव मल मूत्र के निंदनी द्वार से कष्ट पूर्वक नीचे को मुक्त करके निकलता है, नीचे को, और गर्भ में आने से लेकर उसने माता को जो कष्ट दिए उससे उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, मानो इसी से वह माता को भयानक प्रसव वेदना देता है। मैंने गर्भ के कष्ट तो सहज और सही सही, बाद में गर्भ में आने के बाद में भी हमें जन्म के समय में भयंकर उसको दुख होता है, स्वयं को भी और माता को। इसी तरह महान कष्ट से जन्म लेकर वह शिशु शरीर धारण करने के परिश्रम से उत्पन्न हुई दुखदायक श्वास लेता है, वह भयंकर मतलब कष्ट हुआ, जन्म लेने का जो कष्ट था भयंकर कष्ट, उस परिश्रम से उत्पन्न हुई दुखदायक श्वास लेता है। जब तक श्वास लेता है तब तो उसके देखने से अर्थात उसे जीवित पाकर उसके माता पिता आदि कुटुंब भी उसके जन्म से तब तक जब तक आनंदित होते हैं तब तक शीघ्र ही बच्चों को होने वाली प्रसिद्ध व्याधियां मेट देती है। जब तक हंसी खुशी मनाते हैं तब तक तो उसको अनेक व्याधियां घेर लेती है। बचपन की निंदा करते हैं, बचपन में शिशु निर्लज्जता पूर्वक जहाँ कहीं भी निंदनी मलमूत्र आदि बार बार करता है, कोई भी वस्तु खाने की हो या ना हो अपने मुंह में ले लेता है, जिस किसी भी शब्द आदि से भयभीत हो जाता है, अपने मलमूत्र से अपनी टट्टी से स्वयं ही अपने शरीर को भी लेप लेता है, मुख लार से गंदा रहता है, बहता रहता है निरंतर, मिट्टी आदि के खाने पर ऐसा रोकता, मिट्टी आदि के खाने से रोकने पर ऐसा रोता है मानो किसी ने मारा हो, मिट्टी खाने से कोई रोक दे ऐसा रोता है मानो किसी ने मारा हो। इस बचपन रूपी ग्रह के चक्कर से मनुष्य जिस किसी तरह छूट पाता है। आगे कुमार अवस्था का विचार करते हैं, बचपन और युवा अवस्था के बीच की अवस्था के बालक को कुमार कहते हैं, किसको, बचपन और युवा अवस्था के बीच की जो अवस्था है क्या कहते हैं उसको, टीनेजर, उसको कुमार कहते हैं। कुमार रास्ते की धूल से अपने शरीर को मटीला बनाकर दौड़ता है तो गड्ढे में गिर जाता है या पत्थर से टकरा जाता है, तीखे कांटे वगैरह से बिन जाता है, या देखकर साथ में खेलने वाले बालक हंसते हैं तो उनसे रूठ जाता है, उसका मान सम्मान थोड़ा भी खंडित होता है तो उनसे रूठ जाता है, बच्चे अपने आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं तो वो उनसे रूठ जाते हैं। सब क्लास वालों को पहले लेना फिर उसके बाद पढ़े लोग, तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे यौवन की निंदा करते हैं,
माता पिता के आप लोग के लिए एक एक दो दो औरत तो आ गई ना, इतिहास वालों को बताइए अपने सबसे पहले। चलो, माता पिता के सैकड़ों मिथ्या मनोरथों के साथ कि बड़ा होने पर ये पुत्र हमारे लिए अमुक अमुक कार्य करेगा, ये काम करेगा, युवावस्था को प्राप्त करके वो क्या हो जाता है, कुमार विगामी हो जाता है, और कई बार ऐसे दुर्व्यसनों में न पड़ जाए कि जिससे इसका निकलना अशक्य हो। इस आशंका से दुखी मन माता पिता की दुख ज्वाला को बढ़ाता हुआ काम के तीव्र वेग से पीड़ित होकर ऐसे निंदनीय कर्मों को करता है जिससे प्रतिष्ठित माता पिता को क्लेश होता तथा वह स्वयं समाज और राजा के द्वारा दिए गए दंडों से दुखी होकर नरक आदि दुर्गति में जाता। ये बिल्कुल सच्चा चित्रण लिखा है एकदम। मैंने वो बच्चे को बड़े मनोरथ से पालते हैं लेकिन वो बच्चे ही उनके अपयश का कारण बन जाता है। क्या उसमें कहा ना, आशक दुर्व्यसन में न पड़ जाए इस आशंका से दुखी जन जो माता पिता है उनकी दुख ज्वालाओं को बढ़ाता हुआ काम के तीव्र वेग से पीड़ित होकर ऐसे निंदनीय कर्मों को करता है जिससे प्रतिष्ठित माता पिता को क्लेश होता। शादी के कर लेगा, किसी को पसंद कर लेगा, काम करता रहता है। जो युवावस्था में भी निर्विकार रहते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। युवावस्था एक भयंकर समुद्र के समान है, उसमें काम रूपी बड़वाग्नि सदा जलती रहती है, बल वीर रूप खारा जल उमड़ा पड़ता है, निरंकुश इंद्री रूपी बड़े बड़े जलचर विचरते हैं, अभिमान रूपी लहरें उठा करती है, समुद्र अर्थात चंद्रमा की संगति पाकर उफनता है, जवानी दोषाकर अर्थात दुर्जन की संगति पाकर उफनती है। जिन्होंने धन की तरह धर्म यश और सुख को अपने अधीन करके इस घोर जवानी रूप समुद्र को पार कर लिया वे पुरुष धन्य अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। मतलब ये ऐसा समय है, उस समय को जिसने पार कर लिया, किस तरह से, जैसे धन अपने वश में होता है ना, जैसे हम कहते हैं धन कमाना अपने वश में, धन की तरह धर्म यश और सुख को अपने वश में करके, माने धर्म नहीं बिगड़े अपने वश में हो और यश और सुख अपने वश में हो। यश और सुख का मतलब है कि सांसारिक सुख की बातें, कि अपयश नहीं फैले, ऐसे काम न करे कि जिससे उसको आजीविका से वंचित होना पड़े, भोजन पानी से वंचित होना पड़े, दंड मिले, दुख भोगेगा ना वो आगामी काल में, अथवा अपयश हो गए तो कहते हैं कि जिसने तीन चीज़ों को अपने वश में कर लिया, किन तीन चीज़ों को, धर्म को, यश को और सुख को, धन तो धन की तरह, धर्म यश और सुख को अपने अधीन करके इस घोर जवानी रूपी समुद्र को पार कर लिया बिल्कुल धन। बिल्कुल समुद्र का उदाहरण दिया एकदम बढ़िया। समुद्र में क्या क्या चीज़ें होती है, जलचर होते हैं, लहरें होती है कि नहीं, अग्नि जलती रहती है, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं और चंद्रमा की संगति पाकर वो उसमें ज्वार भाटा आता है, ऐसे सारी उपमाएँ थी उसमें, दुर्जनों की संगति पाकर ये भी फलता है भयंकर, समुद्र की संगति से ज्वार भाटा आता है, मैंने जो समुद्र उछलता है वो ऐसे ही नहीं उछलता, जब चंद्रमा होता है तो चंद्रमा के कारण से समुद्र में ज्वार आता है। किस दिन आता है, पूनम के दिन आता है ज्वार, चंद्रमा का पूरा संयोग होता है, अमावस्या के दिन चलता है। तो ऐसे ये जो है दुर्जनों की संगति पकड़ करता है। और भी क्या क्या दिया इसमें देखो, काम रूपी बड़वाग्नि चलती रहती है, बल रूपी वीर खारा जल उमड़ा करता है, निरंकुश इंद्री रूपी बड़े जड़ चल चल घूमते रहते हैं, मतलब इंद्रियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता, पांचों इंद्रियां जोर मारती है, हर चीज़ चाहिए उसको, खाने को चाहिए तो देखने को चाहिए तो सुनने को चाहिए, सब चीज पांचों इंद्रियों के विषय की पूर्ति करते रहो, माँ बाप का एक ही काम बेटे की फरमाइशें पूरी करना, वो कह रहा मेरे को देखने के लिए चाहिए, मेरे को सुनने के लिए चाहिए, मेरे को खाने के लिए चाहिए, मेरे को सुनने के लिए चाहिए,
बच्चे पिताजी लोग भी सोचते, माता पिता वो स्वयं तो भोगने की सामर्थ्य रहती थी, तो वो सोचते इसको भुगवा के अपन इसको सुखी कर दें, सुख बुद्धि पड़ी रहती ना उसमें, खुद नहीं भोग पाते हैं, इसको भोग के इसको सुखी कर दो, किसी ने किसी को तो सुखी कर दो, अपन नहीं सुखी हो पाए इसको सुखी कर दो। युवा अवस्था के पश्चात आने वाली मध्य अवस्था की 11 पद्यों से निंदा करके सर्वप्रथम संतान के पालन के लिए व्याकुल गृहस्थ धन के लिए जो खेती आदि करता है उसके कष्ट वो कहते हैं। सबसे पहले हम खेती के कष्ट देंगे, ठीक है। जो संतान प्राय अहंकार में आकर जिस जिस स्वार्थ में अनिष्ट प्रवृत्ति करती है और काम के वश होकर अपनी धर्म पत्नी में भी स्वच्छंदता पूर्वक काम पीड़ा करती है, उसी संतान का अवश्य पालन करने के लिए अति आग्रही होकर मध्य अवस्था वाला पुरुष बढ़ती हुई धन की तृष्णा से सैकड़ों अन्याय करके भी कृषि आदि कर्म से खेत खिन्न होता है, खेती आदि काम करता है, जिस संतान को पालन पोषण के लिए अन्याय अनिति का सहारा लेता है, धन की तृष्णा से सैकड़ों अन्याय को भी नहीं गिनता है, और वो बच्चा जो है वो जिस जिस अनिष्ट में प्रवृत्ति करती है। सबसे पहले खेती पशुपालन और व्यापार, इनसे बता देंगे, इनसे दोनों लोग नष्ट होते हैं, ये लोग भी नष्ट होता है पर लोग भी नष्ट होता है। कौन सी तीन चीजें कही? खेती, पशुपालन और व्यापार। यथावा मध्य अवस्था वाला पुरुष पशु के तुल्य किसानों के साथ मिलकर अत्यंत खेत खिन्न होता है, यानी किसान बनने के पशु के तुल्य होना पड़ता है, जानवर के तुल्य, इतनी मेहनत करे तब तो हो पाए काम। जैसे योगी योग के द्वारा अन्य पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, वैसे ही वह पशुओं के शरीर में घुसकर विविध आपत्तियों से ग्रस्त पशुओं की रक्षा करता है। क्या है कि पशुपालन का एक नियम है कि पशु जैसा जो बन पाएगा, मतलब बिल्कुल अपने आप को जैसे पशु मान के जो चलेगा, जैसे उसको भूख लगेगी तो वो स्वयं अनुभव करेगा कि हाँ इसका भूख का टाइम हो गया होगा, अब इसका प्यास का टाइम हो गया होगा, तो बिल्कुल पशु की सारी चिंताओं को स्वयं की चिंता रूप अनुभव करे तो वो पशुपालन का काम बराबर कर पाए, नहीं तो पशुपालन का काम नहीं कर सकता, उसको खुद को पशु बनना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अब मैं भी बोलना चाहता था ऐसा, कभी मेरे अपने पालन करता लेकिन वो बात बिल्कुल सच है, ढोरों के पालन करने के लिए बिल्कुल स्वयं को पूरा ढोरों जैसा बनना पड़ता है, उसको अपनी बुद्धि वैसी बनानी पड़ती है, तो पालन कर ही नहीं सकता। अब क्या हो गया, पशु तुल्य हो गए, मनुष्य होते हुए भी तेरे को पशु बनना पड़ रहा है। तथा ठग के समान क्रूर व मनुष्य गुरुजनों के भी प्राणों के तुल्य धन को चुराता है, व्यापार करता तो व्यापार करते समय वो बिल्कुल ठग जैसा हो जाता, किसी को नहीं गिनता, तो ठग के जैसे, ठग में दया वया कुछ नहीं होती है, ऐसे ये भी इसमें दया वया कुछ नहीं होती, ठग के समान क्रूर होता हुआ ये मनुष्य गुरुजनों के भी प्राणों के तुल्य धन को चुरा लेता, और इसीलिए वह विपरीत मति इस लोक तथा परलोक के कल्याण से वंचित होकर पशु के समान आचरण करता है, मैंने इस लोक में कल्याण कर पाता है न परलोक में कर पाता है, तो बिल्कुल पशु के समान अपने जीवन को व्यतीत करता है। विशेषार्थ, यह खेती पशुपालन और व्यापार के कष्ट और बुराइयों को बतलाया, खेती करने वाले किसानों को पशु तुल्य कहा है, यह कथन उस समय की स्थिति की दृष्टि से किया गया है, आज भी गरीब किसानों की दशा उनका रहन सहन पशु से अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पशुओं का व्यापार करने वाले पशुओं की कितनी देख रेख करते थे, यह कथन से प्रकट होता है कि पशुओं के कष्ट को अपना ही कष्ट मानते थे, तभी तो पशुओं के शरीर में प्रवेश करने की बात कही है, मानो वे पशुओं के शरीर में घुस गए, घुस नहीं जाता पशुओं के शरीर में, लेकिन पशुओं के शरीर में घुसने से मतलब है कि अपने आप को बिल्कुल पशु समान मानकर उसकी देख रेख करना, बंद नहीं हो सकता है। तीसरी बात यह है कि व्यापारी उस समय में भी अन्याय करने से सकुचाता नहीं थे,
दूसरों की तो बात ही क्या, अपने गुरुजनों के साथ भी छल का व्यापार करके उनका धन हरते थे। ये सब बातें निंदनीय है, इसी से इन कर्मों की भी निंदा की है। अब आगे देखो, आगे धन के लोभ से देशांतर में जाकर व्यापार करने वालों की निंदा करते हैं, दूसरे देश में जाकर जो व्यापार करते हैं उनकी निंदा करते हैं। अपनी पत्नी पुत्र आदि को यहाँ वहाँ छोड़कर या साथ लेकर भी धन की आशा से मनुष्य किस वन, किस पहाड़, नदी वगैरह को नहीं लांघता और इस तरह अपने पर तथा अपने परिजनों पर निर्दय हो जाता है, स्वयं भी कष्ट उठाता है और दूसरों को भी कष्ट देता है, अपने आप में बिल्कुल सारी तकलीफ भोग के भी, रात दिन कष्ट सह के भी, क्या रात दिन परायापन का दुख सहकर भी, सब धर्म कर्म सबको एक तरफ करके जिस जिस तरह से पैसा आए बस राम राम जपना और अपना तो पराया लगता। मैंने जैसे इस संसार के अंदर एक मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना ले गया, क्या कोई ये नहीं देखता कि हमारे धर्म का कितना नुकसान हो रहा है, उसमें हमारा संस्कार का कितना नुकसान हो रहा है, मंदिर एक नहीं है वहाँ है, अपना धर्म निभ पाएगा कि नहीं निभ पाएगा, कोई मतलब नहीं, पैकेज कितना है। लोग ये नहीं पूछता कोई भी कि भैया वो वहाँ घर रह रहा है उसके आसपास मंदिर एक नहीं है, पूछते क्या? तो कंपनी का नाम पूछेंगे, उसका पैकेज पूछेंगे, उसकी फैसिलिटीज पूछ लेंगे आपका। बुद्धि विपरीत है, मैंने जिस जिस तरह से हमको तो धन चाहिए, चाहे कहीं से कैसे ही आए। अब कहते हैं ब्याज से जो आजीविका करते हैं उनकी भी निंदा करते हैं, सुनो उनके लिए आश्चर्य है कि ब्याज से आजीविका करने वाला सूद खोर ब्याज के लोभ से ऋण लेने वाले को अपने प्राणों के साथ धन देकर उसकी आपत्तियों से भयभीत रहकर प्रवृत्ति करता है, अर्थात ऋणदाता को सदा यह भय सताता रहता है कि ऋण लेने वाले पर कोई ऐसी आपत्ति न आ जाए कि जिससे उसका ऋण मारा जाए, मतलब वो उसकी सारी तकलीफ को वो अपनी खुद की तो जो है सो है ही, एक आदमी की टेंशन और अपने सिर पे बसा उसको जरा सब कुछ हो जाएगा तो उसको जितना दुख नहीं होगा उससे ज्यादा दुख इसको होगा, क्यों? क्योंकि इसको चिंता की मेरा धन का क्या है, मेरा धन का क्या है। किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और इसमें 50-60 शेयर मारुति की कोई एक जरा सी न्यूज आए कि मारुति का फलाना व्यक्ति मर गया, तो इसको ऐसा लगता है जैसे मेरे घर आदमी मर गया, अब क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका क्या फर्फल पड़ेगा। अरे तू तो एक 10-20 रुपये लगा के और पूरी कंपनी की चिंता तो सिर पर लगता है, मैंने तूने उसको धन नहीं दिया है, वास्तव में सारी उसकी आपत्ति खरीद ली, ऋण दे के ये सामने वाले का जीवन खरीदता है, उसकी सारी आपत्तियों को अपने सिर पर लेके चलता है, उसको कुछ होएगा इसको होएगा, ऐसा है। सूद खोरों का काम है, मतलब ब्याज खोरों का। और ये आश्चर्य इस बात का है कि ब्याज के लोभी को धन प्राणों के समान प्रिय होता है, ब्याज का लोभी जो है ना उसके लिए इसमें इसको उपदेश में बहुत बढ़िया श्लोक आया है कि ब्याज का लोभी इस चीज को देखता है कि मेरा धन डबल हो गया, इतने साल पूरे हो गए, FD कंप्लीट हो गई, धन डबल हो गया, वो ये नहीं देखता है कि मेरा इतना जीवन बीत गया, उसको क्या दिखता है, ये नहीं है धन दुगना हो गया ना, अरे तेरे धन दुगना होने के लिए तेरे 5 साल बिगड़ गए, लेकिन गए हुए समय को नहीं देखता वो, तो निरंतर उसकी दृष्टि रहती धन पे, 5 साल और बड़ा हो जाऊंगा तब इतना हो जाएगा, तू 5 साल बड़ा हो जाएगा ना तेरी 5 साल की जिंदगी भी तो निकल जाएगी, ऐसी दशा है उसकी। आश्चर्य ऐसा है कि ब्याज के लोभी को धन प्राणों के समान प्रिय होता है, तथा वह धन दूसरे को तो क्या दिया, वह धन दूसरे को दिया तो मानो अपने प्राण ही दे दिए, प्राण देता है लो, किंतु दूसरे को अपने प्राण देने वाला तो प्रवृत्ति नहीं कर सकता क्योंकि वह निष्प्राण हो जाता है, किंतु ऋणदाता प्राण देकर भी प्रवृत्ति करता है। सबके दुखों की दशा बता रहे हैं आप,
क्या करना है क्या नहीं करना है बाद में बात करते हैं। अब आगे सेवा कर्म की निंदा करते हैं, नौकरी वोकरी की, अपने पर और अपने सदाचार कुल तथा शास्त्र ज्ञान पर निर्दय होकर, कितनी बढ़िया बात थी, किस किस पे, स्वयं अपने पर, अपने कुल वालों पे और अपने शास्त्र ज्ञान पर सदाचार पे, मैंने मालूम है उसकी चीज़ गलत है, अच्छा आचरण नहीं है, शास्त्र भी कह रहा है गलत है, लेकिन उन सब की आवाज़ को अनसुना कर देता है, जैसे कहते हैं उन सबका गला घोट कर, उन सब पे निर्दय होकर, लोभवश शेठ की राजा आदि को अपने को बेच कर, स्वयं को बेच देता हूँ, अपने को बेच कर योग्य योग्य का विचार छोड़कर मनुष्य अपने स्वामी की आज्ञा से भयानक वर्षा आदि में भी जाता है, खूब बारिश हो रही उसमें जाएगा, घने अंधकार से आच्छन्न रात्रि में भी विचरण करता है, रात बिरात किसी समय बुलाओ उसको, हाजिर, हाँ सेठ जी बताओ क्या काम, सेठ जी ने आदेश दिया या हमारा भाग्य, जब जितने अधिक धन मिलता है ना तो वहाँ लोगों को ऐसा पढ़ा जाता है तुमको काम मिल गया नहीं तो भाग गया, तो काम मिला ना तो किसी भी समय मिला, मैंने काम मिला तो वो उसको इस तरह से जैसे कोई हमारे को बहुत बड़ा हमारा भाग्य मिल गया जैसे, और एक प्रवृत्ति है कि जैसे समझ लो 100 रुपये की नौकरी है तो 10-20 रुपये उसको लालच देके रखेंगे, तेरे को बेटा 20 रुपये यदि तुमने बहुत अच्छे से काम किया तो तेरे को 20 रुपये और देंगे, तो वो उस 20 रुपये के लालच में वो जिंदगी भर मतलब पूरे साल भर बिल्कुल गधे की तरह जूता रहता है, 24 घंटे देने को तैयार, नौकरी 8 घंटे ही, बाकी 16 घंटे चित्त के अंदर, 16 घंटे में 8 घंटे तो सोएगा वो, लेकिन उसके अलावा 4-4 घंटे 5-5 घंटे काय के लिए वो 20% बोनस के, लेकिन धिक्कार है ऐसी जिंदगी को और धिक्कार है ऐसी सेवा वृत्ति को कि जो अपन अपने प्राण बेचकर अपना पूरा जीवन देकर अपन उसका चंद पैसे के लिए अपन अपने शरीर को तन मन धन को सबको बेचने के लिए तैयार है, क्या मिल जाएगा उससे, तेरे को आजीविका के लिए 100 रुपये दे रहा है ना वो, तेरा जीवन चल रहा है उससे आराम से, 10-20% का उसको वो, एक अभी एक किसी ने कार्टून दिखाया था मेरे को, कोई हड्डी वड्डी दिख रही है, हड्डी कुत्ते को हड्डी दिखाते ना जैसे एकदम मिलती नहीं है उसको, ऊपर लटकी रहती है, जो जो ऊपर जाता है वो ऊपर चली जाती है, ऐसे उसको थोड़ा सा कुछ लालच दे दुआ के उसको काम के अंदर जुटा रखते हैं, ले बेटा। घने अंधकार से अच्छन्न रात्रि में भी विचरण करता है, भयानक जंगली जंतुओं से भरे हुए बियाबान जंगल में भी घूमता है, अधिक क्या मृत्यु के मुख में भी चला जाता है, मौत भी उसको मौत को भी गले लगाने को तैयार है, और ऐसा नहीं है कि ये एक नियम है संसार का कि जिस कार्य में जितना अधिक धन है उसमें उतनी अधिक आकुलता और उस काम को छूटने की सबसे अधिक चिंता, जिसको कहते हैं रात दिन सिर पर तलवार लटकी रहती है, एक नौकरी से निकालने कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इतना अधिक पैसा मिल रहा है, जरा भी कंपनी को नुकसान हुआ थोड़ा भी उनको लगा कि पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, काम कम हो रहा है, चलो रवाना। जिन जिन जो लोग अपने को दूर से बहुत अच्छे लगते हैं उनके करीब जाके देखो तो उनकी ज़िंदगी पता चलेगी क्या ज़िंदगी है बेचारों। आगे शिल्प कला आदि करने वालों की निंदा करते हैं, शिल्प आदि से आजीविका करने वाला पुरुष शिल्प प्रेमी जनों के मन को हरने के लिए उनके सामने अन्य शिल्पियों की निंदा करता है, जो कारीगर होते हैं जिस भी तरह के कारीगर या इंजीनियर जो भी हो तो दूसरे की निंदा करे, कुछ भी काम अच्छा से अच्छा करके आया सामने वाला दूसरा व्यक्ति, अरे इसने काम बिगाड़ दिया, इसने पैसे ज़्यादा ले लिए, इसने ये कर दिया, आपका ये कर दिया, सामने वाले व्यक्ति की निंदा करेगा अन्य शिल्पी की और उसके शिल्प में दोष निकालता है और अनेक प्रकार के कर्म कला और धर्म के निर्माण का श्रम उठाता है, क्योंकि भूख से पीड़ित उसके स्त्री पुत्र आदि उसका लस्सा देखते हैं, तो सब तरह का छल और कपट सब करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी चिंता है कि मेरे घर पे मेरे बाल बच्चे भूखे बैठे होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि वो आए तो खाना पीना खाने को मिले। आगे देखो शिल्पियों की दुरावस्था बतलाते हैं, मुझे अपने शिल्प का मूल्य आज या कल मिल जाएगा, इस आशा से हर्षित होकर शिल्पी मानो धन हाथ में आ गया है इस तरह अपने परिवार को साहूकार को तथा दूसरे भी संबंधी जनों को प्रसन्न करता, क्या कोई बात नहीं आज माल नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, कल नहीं बिका तो परसों बिक जाएगा, ऐसे रोज बिल्कुल आशा से जीवित होता है।
और दूसरे को अपने परिवार वालों को भी प्रसन्न किया करता है, आज भी दिखा कल उठ जाएगा। साहूकार है, किसी से ऋण ले रखा है, उसको परिवार को, साहूकार को, दूसरे भी संबंधी जनों को प्रसन्न करता है और निराश होने पर रोता है, अपने मस्तक को ठोकता है, अपने प्रियजनों से भी लड़ाई झगड़ा करता है तथा परदेश भी चला जाता है। आगे कहते हैं कि परदेश में भी धन की आशा से पुनः खिन्न होता है। तो वो कितना बढ़िया नीति का वाक्य दिया है यहाँ पे, मनुष्य आशा से जीता है, गांठ में बंधे सैकड़े रुपयों से नहीं। हर आदमी को ये आशा है कल माल मिल जाएगा, हार नहीं बिगड़ा दिया जो जेब में, उससे नहीं जी रहा है, अपनी आशाओं से जी रहा है। वो आशा खत्म हो जाए ना तो जेब का जितना कितना भी हो लेकिन वो अभी नीचे आ जाए। हर व्यक्ति के जेब में जितना है उससे ज्यादा उसकी आशा है। कोई बात नहीं, आज यदि मंदी है तो कल तेजी आ जाए, कल माल मिल जाए। आशा जो है, आशा रूपी जीवन ही उसको टिकाए रखता है, उसका धन ही उसको टिकाए रखता है। यदि उसको ये आशा खत्म हो जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा तो आधा हृदय उसका नीचे हो जाए। लेकिन उसको रोज सुबह उठता है तो रोज सोचता है कल ना सही, आज तो अपना कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाएगा। मनुष्य आशा से जीता है, गांठ में बंधे हुए सैकड़ों रुपयों से नहीं। इस लोकोक्ति के अनुसार जीविका के उपायों को जानने वाला शिल्पी फिर भी धन की आशा से खिन्न होता है। और पूर्व कृत शुभ कर्म के योग से जिस किसी तरह महान कष्ट से कुछ इष्ट की प्राप्ति होने पर समझ लो हो जाए, थोड़ा बहुत माल वाल बिक जाए, धन मिल जाए, तो वह जगत को अपने से हीन देखने लगता है। अभी तक तो रो रहा था और 5 मिनट में उसकी दशा क्या हो गई, सारी दुनिया को तुच्छ देखता, मेरे सामने लोग हैं क्या। अभी धन नहीं आ रहा था ना, माल नहीं बिक रहा था, तब तक तो बड़ा निराशावादी, अरे संसार में दुखी दुख है, कुछ नहीं है, सब सारा संसार दुख में दिख रहा था। और जरा कुछ अनुकूलता हुई, थोड़ा धन आया, तो सारा संसार को अपने से हीन तुच्छ देखने लगता है और समस्त विश्व को भी अपने अधीन करने की इच्छा करता है। पूरी दुनिया भी तो ऐसा चाहता, पूरी दुनिया को अपन अधीन कर सकते हैं और बहुत कमा सकते हैं, जब इतना कष्ट दिया तो अपन इतना और कर सकते हैं। अभी पहले तो भाग्य के भरोसे कह रहा था कि भैया भाग्य नहीं है, समय नहीं है। अब समय एक तरफ गया तो अपनी अपने करने से क्या नहीं हो सकता। और धन प्राप्त होने पर आने वाली विपत्तियों को कहते हैं। धन संपन्न होने पर मनुष्य को धन के भागीदार भाई भतीजे बुरी तरह सताते हैं, सब आ जाते हैं फिर। अभी तक कोई नहीं था उसका, अब सब हो गए उसके, सारे रिश्तेदार आ गए उसके, उसने मेरे को भी नहीं पता तुम सब रिश्तेदार हो। अथवा मृत्यु आकर पुत्र आदि से उसका वियोग करा देती है, मैंने इतना सब कुछ जोड़ा और इतने में मर गया, मकान बनाया अच्छा खासा और मर गया, या रोग आदि पीड़ा देते हैं। इस तरह वह भागा दुर्देव के उस ऋण को लिए फिरता है जिसे नियत समय पर ही चुकाना होता है। आगे थोड़ा सा और दिया देखो। मध्यम अवस्था वाले मनुष्य को विपत्ति के कारण होने वाली अलति और जीवन से अरुचि को बतलाते हैं। मैंने मनुष्य को मध्यम अवस्था में थोड़ा अधेड़ हो गया, थोड़ा अधेड़ होने पर जीवन से अलति होने लगती है, अरुचि होने लगती है जीवन से। फिर रति के लिए अनेक काम खोजता रहता है, क्या करो कुछ रति के लिए, घूमने चले जाओ, कुछ देखने चले जाओ, कुछ देख लो, अलति दूर नहीं होती। दो चीज़ें कही इन्होंने, विपत्ति अलति और जीवन से अरुचि, जीने से अरुचि। चींटियों से बुरी तरह खाए जाने वाले काले सर्प की तरह विपत्तियों से सब ओर से घिरा हुआ दुखी मनुष्य किससे तो प्रीति करे और कब तक तो बेचारा जीवित रहे। माने इधर कभी सुबह ये हो रहा है, ये हो रहा है, स्कूल से फोन आ रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, नहीं स्कूल में बच्चे फेल हो रहे हैं, इधर कहीं किसी का पत्नी का फोन आ रहा है कि साहब पैसे नहीं है इसके, वो आ गया है, ये आ गया है, फिर ऑफिस में कोई क्या कह रहा है, कहीं क्या कह रहा है, इधर कोई मर गया है, किसी का शादी हो रही है, तो किसी का क्या हो रहा है, बेचारा समझ भी नहीं आता उसको मैं क्या करूँ जीवन। जैसे काली चींटियाँ खा जाती है काले सर्प को, इसी तरह सारी ओर से विपत्तियाँ उसको ऐसा घेरती है कि उसको अपने जीवन से अरुचि हो जाती है। सुबह से शाम तक थका हारा आदमी और रात को आगे अगले दिन फिर बेचारा सुबह उठते ही सारी समस्या बेचारा। जिंदगी वास्तव में ये मनुष्य पर्याय जो है यूँ देखा जाए तो चारों ओर से विपत्तियों से घिरी हुई है।
कई महापुण्य का उदय हो, थोड़ा सा समय मिलता है उसमें हित कर ले तो कर ले। सफेद बालों की बात करते हैं, देखो सफेद बालों को देखकर होने वाले दुख को कहते हैं सफेद बाल देखते हैं। वृद्धावस्था रूपी सर्पणी की किंचुली के समान सफेद बालों को देखकर विरक्त होने वाली प्रिय पत्नियों का स्मरण करके ही बुढ़ापे की ओर जाने वाला मनुष्य दिनों दिन ओज से छीन होता जाता है। बुढ़ापा तो छीन करेगा तब करेगा, बुढ़ापे पे की चिंता से वो पहले ही छीन हो जाता है। अब बुढ़ापे का प्रभाव बतलाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ के पूरा करता हूँ। ऐसे मनुष्यों के शरीर रूपी उद्यान को बुढ़ापा रूपी दीमक जैसे जैसे खाती है वैसे वैसे उसके कामोद्दीपक भाव स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह शरीर उद्यान के समान है, उद्यान की तरह इसका पालन पोषण यत्न से किया जाता है। जैसे उद्यान को यदि दीम के खाने लगे तो बगीचा लगाने वाले के मनोरथों को पूरा करने वाले फल फूल सब नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही बुढ़ापा आने पर मनुष्यों के काम उद्दीपक भाव भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं। आगे बुढ़ापे की अधिकता का विचार करते हैं, क्या होने वाला है बुढ़ापा। जिसका मन और इंद्रिया विनाश के सम्मुख है उन्मुख है, मानसिक व्याधियों की स्पर्धा से ही मानो जिसे शारीरिक व्याधियों ने अत्यंत छीन कर दिया। क्या मानसिक व्याधियों की स्पर्धा से, माने मानसिक बीमारियों की स्पर्धा, वो कहती मैं हूँ, वो कहती मैं हूँ, और उसकी लड़ाई में ये इसका शरीर बिगड़ जाता। यह मानसिक व्याधियों की स्पर्धा से ही मानो जिसे शारीरिक व्याधियों ने अत्यंत छीन कर दिया है, जो सबके तिरस्कार का पात्र है हर आदमी। यहाँ क्यों बैठे, मंदिर जाने का टाइम नहीं। हर आदमी शादी में दिखे, जान दिखे, हर आदमी उठाने को तैयार। यहाँ क्या क्या है, यहाँ पे मतलब जिस आदमी की कहीं कोई पूछ नहीं हो, सबके तिरस्कार का पात्र है, फिर भी अपने हालत पे नहीं छोड़ता हूँ। साहब के तिरस्कार का पात्र है, जिसके हाथ पैर आदि अंग बुरी तरह से कांपते हैं एकदम, और अपना काम करने में असमर्थ है, और अति लोभी अति क्रोधी आदि स्वभाव के कारण परिवार भी जिससे उगता गया है। यहाँ रहेंगे तो गुस्सा करेंगे, कुछ लड़ी झगड़ा करेंगे, उनको भेज दो इसलिए कहीं ऐसे, क्योंकि कषाय तो मिट्टी नहीं है, शक्ति खत्म हो गई तो और डबल चिढ़ता है। अब वो कुछ नहीं पाता खुद से, और आदतें सब ऐसी की ऐसी हर चीज, मैंने वो अपने आप को पूरे परिवार का मुखिया मानता है, बनता उससे कुछ भी नहीं, और सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, और वो चाहता है कि मेरे अनुसार चले, जब उसके अनुसार कुछ चलते नहीं है तो वो झिझलाता है, खिंचाता है, कुछ नहीं करता, अपना डर बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, काली कौड़ी दूंगा, लोग तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं, क्या करना है। इसमें कहा, इसमें बहुत बढ़िया भजन है इसके अंदर, बाय लगी की बलाय लगी मदमत भयो नर भूलत त्योरी, वृद्ध भयेन भजे भगवान विषय विष खात अघात त्योरी, शीश भयो बगुला सं श्वेत रयो कुल अंतर श्याम अजोई, मानुष भो मुक्ता फल हार गवार तगा हित तोड़त त्योरी। क्या अर्थ हुआ, बाय लगी की बलाय लगी, समझे कि बाय लगी की बलाय लगी, माने बाय लगी बलाय लगी एक कहावत है कि इसको कौन सी बीमारी ने घेर लिया है, इसको कहते ना इसका क्या, इसको कोई बलाय लग गई, कोई भूत प्रेत चढ़ गया, इसको कोई ऊपर की बीमारी हो गई, कोई शरीर बिगड़ गया, क्या हो गया इसको, क्यों बाय लगी कि बलाय लगी, मदमत है बिल्कुल, मदमत भयो नर भूलत त्यों, अपने आप को बिल्कुल भूला हुआ है, वृद्ध भय बूढ़ा हो गया, न भजे भगवान, और विषय विष खात जहर रूपी विष खाता है अभी भी, और अघात न त्यों, शीश भयो बगुला असम श्वेत, शीश तो कैसा हो गया बगुले समान सफेद, वो कहता है रयो और अंतर श्याम अजोय, मेरा दिल तो आज भी रयो उर अंतर श्याम अजोय, मानुष भो मुक्ता फल हार, मनुष्य भो जो है मोतियों का हार था, और गवार तगा हित तोड़त त्यों ही, इस गवार ने धागे के लिए मोतियों के रत्नों को तोड़ फेंका, रत्न फेंक दिए काय के लिए, धागे के लिए, ऐसे तुच्छ विषय भोगों के लिए इतना अमूल्य मनुष्य भाव इसने ही छोड़ दिया। जब आखिरी पढ़ता हूँ अंतिम, अति लोभी क्रोधी आदि स्वभाव के कारण परिवार भी जिससे उठता गया है, मुंह में दो चार दांत शेष,
किंतु वे भी हिलते हैं। ऐसे वृद्ध पुरुष को मानो स्वाद रहित होने से मृत्यु भी जल्दी नहीं खाती, स्वाद रहित उसमें है क्या। तो कई बार दांत भी चले जाते हैं, तो खाने की आदत नहीं होती, तो मुंह तब कोला, तो वो चने की दाल होती है उसको पीस पीस के पीस पीस के क्या करो। इस प्रकार मनुष्य पर्याय बुरी होने पर भी परम सुख के दाता धर्म का अंग है, इसलिए उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की शिक्षा देते हैं। इस मनुष्य शरीर का बीज रज और वीर है, उत्पत्ति स्थान माता का गर्भ है, आहार माता के द्वारा खाया गया अन्न जल है, रज और वीर का मार्ग ही उसके जन्म का द्वार है, वात पित्त कफ धातु उपधातु इसका स्वरूप है, इन सबके कारण वो गंदा है। ये तो पक्का है, तो अपन सब समझ लिया। गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। व्याधि शस्त्र आघात वज्रघात आदि अनेक कारणों से आकस्मिक मृत्यु अवश्यंभावी, तथा इसकी उत्कृष्ट आयु भी अति अल्प, अधिक से अधिक 120 वर्ष कही गई बच्चन काल। समीचीन धर्म के अंगभूत जाति कुल आदि से युक्त यह ऐसा मनुष्य भव भी चिरकाल के बाद बड़े कष्ट से किसी तरह प्राप्त हुआ है। मैंने इतनी दुर्दशा होने पर भी ये भी बड़े मुश्किल से मिला है। मैंने ये मनुष्य भव जिसमें इतनी आदि व्याधि सब घिरी हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य भव भी बड़ी कष्ट से दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। अब इसको क्या करना चाहिए, तो कहते हैं इसे विमल अर्थात दुखदायी पाप के संसर्ग से रहित सुख के दाता धर्म का साधन बनाकर ही देव आदि पर्याय से भी उत्कृष्ट बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस मनुष्य प्रेम मिल तो गई, अब क्या करना चाहिए कि पाप के संसर्ग से रहित सुख के दाता धर्म का साधन बनाकर और देव आदि पर्याय से भी उत्कृष्ट बनाना चाहिए। तुम चाहो तो देव पर्याय से भी अधिक सुखी हो सकते हो, तुम चाहो तो उत्कृष्ट धर्म कर सकते हो, तुम चाहो तो पाप के संसर्ग से बच सकते हो। तो ये करो और इससे अपने आप को अपने मनुष्य पर्याय को सफल करो। बाकी अब देव पर्याय के क्या क्या दुख है ये अपन अगली बार करके, और अगले सप्ताह अपनी पहली ढाल पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद अपने को मन में आएगा यदि आप लोगों का विचार होगा तो अपन पहली ढाल की एग्जाम दे देंगे। तो चलो देने के इच्छुक होगा पहली ढाल की एग्जाम 20 जन होने चाहिए अपने बच्चे, 3, 3, 6, 8, 10, 12, 14 हो गए 20 जन। तो अपन अगले वीक जो है, अगले वीक यदि पूरा हो जाएगा तो अगले वीक भी ले सकते हैं एग्जाम, और अगले वीक पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके अगले के अगले वीक नियम से एग्जाम लेंगे। और 2 दिन हो गया तो ठीक है, 1 दिन हो गया।